ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय के लिए कौन सा गाना गाना चाहेंगे सुरेश रैना? देखते हैं। मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, लेकिन मुझसे यूं खफा खफा ना रहो। Oh my God, what a surprise! आ गए, चलो अब शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर और प्लेयर सुरेश रैना के कुछ थग लाइफ मोमेंट और फनी मोमेंट्स। तो फर्स्ट क्लिप है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप विदेशी कोच के साथ खुश हैं कि नहीं। उस पर रैना सर का रिप्लाई कुछ ऐसा था, किसी से का काम है वो, मैं तो खिलाड़ी हूँ, मुझे जो प्लेट में मिलेगा उसमें मुझे यूटिलाइज करना है कि मेरे पास क्या बेस्ट है वो। ना ये थोड़ा ही ना था, असली रिप्लाई तो अब सुनो। सर आप अपनी वाइफ के साथ कंफर्टेबल हो कि दूसरे के साथ, ये बता दो। सर आप अपनी वाइफ के साथ कंफर्टेबल हो कि दूसरे के साथ, ये बता दो। साथ वाले किलर काम करे, कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस। मतलब दुनिया का बेस्टेस्ट रिप्लाई था भाई, कसम से। तो अब अगर नेक्स्ट क्लिप के बारे में बात करें तो वो अंपायर की नकल कर रहे थे। How is asking? And Billy Bowden saying, "Hang on a minute, hang on a minute. I'm just going off to the third umpire." And Rhino in the back. तो अब नेक्स्ट क्लिप है आपकी अदालत की, जब उनसे उनके बचपन के फनी मोमेंट्स के बारे में पूछा गया। सुरेश, मुरादनगर में जब आप छोटे थे 10-12 साल के, जिन बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे उन्होंने कहा कि ये सारे बच्चों के इकट्ठा करके क्रिकेट खेलता था, उनसे बॉलिंग कराता था, फील्डिंग कराता था, बैटिंग नहीं देता था। नहीं, बैटिंग करता था सर, लेकिन मुझे बैटिंग करना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं आउट नहीं होता था, तो मैंने कहा जब आप मुझे आउट करोगे तो फिर मैं आपको बैटिंग दूंगा। अब अगली वीडियो है जब रैना पाकिस्तान से हुए एक मैच के बारे में बात कर रहे थे, जब उमर अकमल धोनी से उनके बारे में शिकायत कर रहा था। जैसे पाकिस्तानी मैच से उमर अकमल कुछ बोल रहा था कि धोनी मैं देखो यार सुरेश रैना गाली बकरा मुझे ये वो करके, मैंने कहा गाली तो बकरी बाकी नहीं, अरे क्या हुआ, मैंने कहा मैं उसको सिर्फ थोड़ा थ्रो मार रहा हूँ, वो थोड़ा बोला, मैंने कहा भाई क्या हुआ खेल जरा रन बना चेस करने पड़े, भाई मैंने फोड़ दिया ले। अगली क्लिप एक फनी क्लिप है, जब हरभजन सिंह एक शो का इंट्रो बोल रहे थे और उसके बाद उन्होंने रैना से पूछा कि कैसा लगा। वेलकम टू क्विक हील बज्जी ब्लास्ट, इस शो में पता चलेगा क्रिकेट का प्रेजेंट एंड क्रिकेट का पास्ट, क्योंकि मैं आपका बज्जी लेके आया हूँ, क्विक हील बज्जी ब्लास्ट, ठीक था? इतने परेशान है तो पाजी मत करो ना, गजब बेइज्जती है। अगली क्लिप फिर से आपकी अदालत की है, जब एंकर ने उनसे पूछा कि लोग कहते हैं कि आप धोनी के फेवरेट हैं इसीलिए आपको ज्यादा चांसेस मिले, तो उस पर रैना सर का रिप्लाई कुछ ऐसा था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कप्तान धोनी के फेवरेट हैं आप इसलिए आपको बहुत सारे चांस मिलते हैं। नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं देश के लिए खेलता हूँ, फेवरेट कोई नहीं है सर, वो एक बहुत ऑनेस्ट कैप्टन है और ऐसा नहीं है कि उसके कोई फेवरेट है, वो हमेशा सबको एक नज़र से देखते हैं और ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, और जिस तरह से वो अपनी टीम को जिस तरह से जूनियर्स को वो अच्छे से मोटिवेट करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। दिखलाना है वहाँ पब्लिक के पत्थर मारेगी पत्थर भागेगा बचकर कैसे तू लाला तेरे बहुत नाटक। तो अब अगली क्लिप है एक फनी वीडियो, जब सुरेश रैना और ऋषभ पंत साथ में आइस बात कर रहे थे और रैना ऋषभ पंत के मजे लेने के मूड में थे। भैया यार तो अब अगली क्लिप है इरफान पठान और सुरेश रैना के बीच हुए इंस्टाग्राम लाइव की, जब रैना उनके और पठान सर के बीच हुए टक्कर के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे अभी भी याद है कि जब एक ऑस्ट्रेलिया में कैच पकड़ा था, जब आप और मैं भिड़े थे सिडनी में, तो आई फेल्ट कि वो हम दोनों में से हम लोग को लग जाता वो, मैं उसके बाद मैं जब भी देखता हूँ मुझे यही नहीं पता चला वो कैच कैसे पकड़ा, और आप मतलब स्ट्रॉन्ग, मैं सिर्फ बॉल पे था, ना कॉलिंग की आवाज आ रही ना कुछ आ रही, और जैसे भिड़े उसके बाद मुझे लगा या तो मेरा ये गर्दन टूट गया है या मेरा कुछ चेस्ट में हो गया है, फिर जब मैंने आपको देखा थोड़ा तो आपने मुझे फील कराया कि एवरीथिंग इज ओके, और आप बॉल पूछ रहे छोड़ू तो नहीं, मैंने कहा नहीं छोड़ी। ना मैं लौंडा अमीर घर का, घुमा हो गलियों में बातें में सड़क की लिखता, करता वो करता जो मुझे थोड़ा अजीब लगता। रैना सर की अभी तो शादी हो चुकी है, लेकिन जब उनकी शादी नहीं हुई थी तब ऑडियंस में से किसी ने उनसे पूछा कि आप शादी कब करोगे, तो उनका रिप्लाई कुछ ऐसा था। सर आप शादी कब करोगे?
जल्दी करूँगा, अभी मॉम ढूंढनी है लड़की, तो फिर हाँ मॉम के कहने से करूँगा। परंपरा नहीं है फिर हूँ मैं संस्कारी, सड़क पे कसी का मैंने पढ़ू तुझसे भारी बोल। अब अगली क्लिप है जब रायना इरफान सर को उनके बारे में बता रहे थे, जब रायना सर फर्स्ट टाइम टीम में आए थे। फिर उस टाइम पे जो एक मैंने देखा था, फिर जब मैं फर्स्ट टाइम टूर पे आया था इंडिया के लिए जब 2005, तो ऑलरेडी आपका नाम ऐसा था मतलब इरफान, वो लंबे बाल एकदम घुंघराले वाले, हेड एंड शोल्डर का ब्रांड एम्बेसडर। अब इसके बाद इसी लाइव में जब ऋषभ पंत कमेंट करते हैं तब फिर से रहना उनके मजे लेते हैं। तो बज्जू बा कहते हैं ऐसे ही लगे रहो। ऋषभ तू कर क्या रहा है आजकल? ऋषभ रुड़की में ट्रेनिंग कर रहा है। कभी सिलेंडर उठा रहा है, कभी बाल्टियां उठा रहा है, लगा रहा है भाई। तो चलो अब वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना अपना फेवरेट पार्ट, और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।